बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 मई 2020, 12 रमज़ान, 1441। जी मेरे भाई, आज 5 मई 12 रमज़ान के मैं आपके साथ केस शेयर करूंगा। सऊदी अरब से आज कितने केस रिकॉर्ड किए गए हैं, किस शहर से कितने केस आए हैं, कितने लोगों की आज वफात हुई है और कितने लोग आज सेहतयाब हुए हैं इस वायरस के चलते हुए सऊदी अरब में आज 5 मई वाले दिन। तो आप सब भाइयों को पता है, कल 1645 केस रिकॉर्ड किए गए थे सऊदी अरब में, जो कि काफ़ी बड़ा फिगर था। तो यहाँ मैं आपको केस बताने से पहले भाई आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करता चलूँ। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, चंद माह हम पीछे चले जाएँ तो 3-2 को आप देख लें, दूसरे माह की 3 तारीख को तो 2020 ही 426 अफराद की वफात हुई इस वायरस के सबब। 3-3 को आप देख लें जी, 3200 अमवात होगी इस वायरस के सबब। 3-4 को, चौथे माह की 3 तारीख को आप देख लें, 61,000 तक ये अमवात पहुंच चुकी थी। और 3-5 यानी कि 2 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी देख लें जी, 248,000 तक यानी कि 2.5 लाख बंदा मर चुका है जी इस वायरस के सबब, ये अभी 4 माह में। तो आज के केस अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख रखे होंगे, ये 1595 जी मेरे भाई, 1595 केस आज सऊदी अरब से रिकॉर्ड किए गए हैं। कल की निस्बत तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जद्दा सरफरस्त था जी, आज 385 केस, मक्का 337 केस। हालांकि मक्का में 24 घंटे कर्फ्यू चल रहा है, सऊदी अरब पूरे में कर्फ्यू उठा लिया गया है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, लेकिन मक्का में 24 घंटे कर्फ्यू होने के बावजूद भी 337 केस रिकॉर्ड किए गए हैं आज। तो रियाज देख लें, 230 है, दमाम 141 है जी, जुबेल 120 है, हफूफ 101 है, खुबर 89 है जी, और ताइफ 65 है जी, मदीना 25 केस। आज मदीना माशाल्लाह बहुत नीचे चला गया, सिर्फ 25 केस रिकॉर्ड किए गए, हालांकि मदीना सरफरिस्त ही आ रहा था पहले। तो नीचे वही 2, 4, 5, 10 ऐसे चल रहे हैं टोटल। तो यहां मैं आपको भाई बताता चलूँ, आज वजारत सेहत की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि 24% सऊदी और 76% सिर्फ खारजियों में वायरस, सऊदियों की तादाद में अभी इजाफा हुआ है। हालाँकि पहले खारजियों में वायरस की तादाद 91% तक चली गई थी, लेकिन अभी 76% खारजियों में है और जी 24% सऊदियों में ये वायरस के केस आ रहे हैं। तो टोटल अभी तक सऊदी अरब में होगा जी आप देख रहे हैं 30,251, और इनमें से सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,431, और इनमें से वफात पाने वालों की तादाद 200 हो गई है जी। तो यहाँ मैं आपके साथ तफसील शेयर करता चलूँ, आज 9 अफराद की वफात हुई है जी इस वायरस के सबब, और सेहतयाब होने वालों की तादाद 955। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आज लोग सेहतयाब होकर अपने घरों के गए हैं, 955 अफराद आज सेहतयाब हुए हैं इस वायरस के सबब सऊदी अरब में, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां केयर बहुत अच्छी की जाती है, आप सब भाइयों को पता है, जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है, खारजी भाइयों के लिए भी किसी के पास इकामा है नहीं है, जुर्माना है किसी के पास या जो कुछ भी है, आपको 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हॉस्पिटल में आएँ, अपना फ्री इलाज करवाएं, 1 रियाल तक नहीं आपसे लगेगा। तो देख लें जी, आज 955 अफराद सेहतयाब हुए हैं सऊदी अरब के हॉस्पिटलों में अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ 9 अफराद की वफात हुई है इस वायरस के सबब। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ भाई, 95% यानी कि 95% मरने वालों में 60 साल से ऊपर के अफराद होते हैं इस वायरस के सबब सऊदी अरब में।